गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के मन में जनजातियों के प्रति आत्मीय प्रेम नहीं है। यही कारण है कि रानी कमलापति के नाम पर विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन करने के बाद भी कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई ट्वीट नहीं किया। कांग्रेस ने शिव भानु सिंह सोलंकी से लेकर उमंग सिंगार तक किसी को बढ़ने नहीं दिया। ये कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस की मानसिकता प्रारंभ से जनजाति विरोधी रही है। कहा तो बहुत, किया कुछ नहीं। अब हो रहा है तो पीड़ा हो रही है। आप एक छोटी सी बात देखो, जो महारानी हमारी जनजाति की थी कमलापति जी, उनके समर्थन में उनके पक्ष में पूरी की पूरी कांग्रेस, कमलनाथ दिग्विजय सहित, एक का भी ट्वीट आया हो, एक शब्द आया हो बधाई का, धन्यवाद का, उनके समर्थन में कोई शब्द आया हो इस नामकरण के, तो आप बता नहीं सकते हो। एक भी संदेश आपको नहीं मिलेगा। ये दरअसल से कांग्रेस के लोग जो है ना, इनका कभी जनजाति भाइयों से हृदय का प्रेम नहीं रहा। शुरू से भानु सिंह सोलंकी से लेके आप बीच में दलवीर सिंह और बाकी के जो नेता, यहाँ तक चले आइए आप उमंग सिंगार तक, इन्होंने जब भी इनको अधिकार मिला उनको काटा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया है। ये कांग्रेस की संस्कृति है और इसलिए इनने उनके उत्थान में कुछ नहीं किया। जबलपुर में भी एक शब्द नहीं बोलेंगे कि 15 महीने में मैंने ये किया है। कोरे आरोप लगाना, मनगढ़ंत आरोप लगाना, ये इनका स्वभाव है, उसी का परिणाम कांग्रेस भुगत रही है।